डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ वी कैन सेपरेट सैंड एंड साल्ट। अगर सैंड और साल्ट को आपस में मिक्स कर दिया जाए, उनका एक मिक्सर बना दिया जाए, तो हम उनको अलग अलग कैसे करें? सैंड और साल्ट के मिक्सर में से साल्ट को अलग कैसे करें और सैंड को अलग कैसे करें? तो देखिए अब हम आंसर को डिस्कस करेंगे। सैंड और साल्ट को अलग अलग करने के लिए सबसे पहले हम सैंड और साल्ट के मिक्सर को एक बीकर में डाल लेंगे और बीकर में डाल के उसके अंदर पानी मिला देंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यही लिखा गया है, ऐड वाटर टू सैंड एंड साल्ट इन ए बीकर। बीकर में सैंड और साल्ट का मिक्सर डाल के और आप उसके अंदर पानी मिला दो। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप देखिए क्या करना है। आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो पानी हमने बीकर में डाला है उस पानी के अंदर नमक मिक्स हो जाएगा, क्योंकि नमक हमेशा पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन सैंड कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होती। इसलिए हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे, देखिए आफ्टर सम टाइम सैंड विल सेटल डाउन। देखिए नमक तो पानी में मिक्स हो जाएगा लेकिन सैंड पानी में मिक्स नहीं होगी, तो इसलिए हम उस बीकर को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस बीकर को थोड़ी देर के लिए छेड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे। तो आप कुछ देर के बाद देखना बीकर के अंदर रेत जो है वो आपको नीचे सेटल होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बीकर के अंदर जो हमने सैंड और साल्ट का मिक्सर डाला था, सैंड जो है वो नीचे बैठ चुकी है लेकिन साल्ट वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। आप डायग्राम में देखिए सैंड बॉटम के अंदर नीचे की साइड बैठ चुकी है, सेटल हो चुकी है, लेकिन साल्ट पानी में मिक्स हो चुका है। ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। जब भी सैंड बॉटम में नीचे बैठ जाएगी तो उस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन। देखिए जब रेत नीचे बैठ जाएगी तो उसके बाद हम जो बीकर में ऊपर वाला पानी है, आप यहाँ बीकर में देखिए सैंड नीचे है और जो साल्ट वाला पानी है वो ऊपर है, तो ये जो साल्ट वाला वाटर है ऊपर वाला वो हम दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। हम रेत को उसी बीकर में, पहले वाले बीकर में छोड़ देंगे और ऊपर का जो पानी है इसको दूसरे बीकर में डाल देंगे। ये देखिए मैंने दूसरा डायग्राम आपको दिखा रखा है। देखिए ये हमारा पहले वाला बीकर है, पहले वाले बीकर के अंदर नीचे आप देख रहे हैं सैंड है, लेकिन ऊपर का जो पानी है वो हमने दूसरे बीकर में डाल दिया। दूसरे बीकर में आप देख रहे हो इसके अंदर आपको सैंड दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो मेथड है हमारा इसको बोलते हैं डिकेंटेशन मेथड। डिकेंटेशन मेथड का मतलब यही होता है कि रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी हम दूसरे बर्तन में, दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। अब हम जो हमने ऊपर का पानी अलग बीकर में निकाल लिया, अब उस पानी को हम किसी बर्तन में डाल के गर्म करेंगे। अब आप यहाँ देखिए फोर्थ स्टेप है हीट इट। हीट इट का मतलब है कि जिस बर्तन में हमने ऊपर का पानी निकाला है उसको हम गर्म करेंगे। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि उस बीकर को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। गर्म करने से पानी गर्म हो जाएगा और पानी की भाप निकलना स्टार्ट कर देती हैं। भाप जब निकलती है तो हम उसको बोलते हैं एवापोरेशन। पानी जो है वो भाप बनकर एवापोरेट हो जाएगा, भाप बनकर बाहर एयर में चला जाएगा, लेकिन जो नमक है वो कहाँ जाएगा? नमक कभी भी एवापोरेट नहीं होता, इसलिए नमक बीकर के अंदर रह जाएगा। अब आप ये देखिए हमारा जो लास्ट स्टेप है इसमें लिखा हुआ है साल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड। जो नमक है वो बीकर में ही रह जाएगा, पानी सूख जाएगा क्योंकि पानी को हमने गर्म कर दिया, पानी भाप बन के उड़ जाएगा लेकिन नमक बीकर में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमने नमक को रेत से अलग कर दिया, क्योंकि रेत तो पहले ही हमने पिछले बीकर में रख ली थी और साल्ट जो है इस बीकर में हमने निकाल लिया, पानी एवापोरेट हो चुका है। इस तरह से तीनों चीज़ें
सेपरेट हो जाएंगी, और यही हमारा क्वेश्चन है। ओके।